بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی محمد رسول اللہ کریم. یہ پرابلم ٹرگنومیٹری کی ہے, لاگریتھم اینڈ انورس فنکشن سے. ایکسپریس ٹین انورس ایکس پلس آئی وائی ان دی فارم اے پلس آئی بی. تو ہم یعنی ہم کو ریئل پارٹ میں اور امیجنری پارٹ میں سیپریٹ کرنا ہے اس ٹین انورس ایکس پلس آئی وائی کو. تو ہم مان لیتے ہیں کہ ٹین انورس एक्स प्लस आई वाई का जो रियल पार्ट है वो ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है. हमको ए और बी की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पर रखना होगी क्योंकि हमें टेन इनवर्स को इस फार्म में शो करना है. इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाएं तो टेन इनवर्स को यहाँ से ख़त्म करें तो उसके लिए इसको राइट हैंड साइड में ले जाना होगा. तो उस तरीके से ये हो जाएगा टेन ऑफ ए प्लस आई बी, इस पर टेन लग जाएगा, यहाँ से इनवर्स ख़त्म हो गया और ये वैल्यू एक्स प्लस आई वाई की खुल आ जाएगी. इसको हम इक्वेशन नंबर टू डाल देते हैं और हम फिर यहाँ पर कंजुगेट प्रॉपर्टी का, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. तो वाई कंजुगेट प्रॉपर्टी बाई कंजुगेट प्रॉपर्टी. कंजुगेट प्रॉपर्टी में ये होता है जहाँ पर भी आई मिले उसकी जगह पर माइनस आई करेंगे, जहाँ पर भी और जितनी बार भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में. एक ये ऐसे लिख देते हैं, आई से पहले माइनस आ जाएगा क्योंकि आई का साइन चेंज हो जाता है. प्लस होता तो माइनस कर देते, माइनस होता तो प्लस कर देते. यहाँ पर प्लस है तो माइनस का आई वाई आ जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर हम थ्री डालेंगे. इन्हीं दोनों के इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम ए और बी की वैल्यू जो फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं. अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें स्टार्ट करना होगा टेन टू ए से. इसकी वजह ये है कि हमें ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी इनको जब ऐड करेंगे, यानी ए प्लस आई बी को ए माइनस आई बी के साथ में, तो आई बी से आई बी तो कैंसिल हो जाएगा, टू ए मिल जाएगा. यानी टू ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. इसमें यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं. इस फार्मूले को यहाँ पर नीचे लिख देते हैं. टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपान वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई. इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. तो एक्स ये है, वाई ये है, तो इसमें इस फार्मूले को देख लीजिएगा, अप्लाई कर रहे हैं. यानी टेन ऑफ ए प्लस आई बी, फिर प्लस का साइन आएगा इस टेन के साथ में, टेन आएगा, यानी टेन ए माइनस आई बी अपान वन माइनस फिर इन दोनों का इंटू आएगा, यानी टेन ऑफ ए प्लस आई वी इंटू टेन ऑफ ए माइनस आई वी. अब इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाएगा. ये वैल्यू जो चल रही है वो टेन टू ए के इक्वल चल रही है. इक्वेशन नंबर वन से ये वैल्यू टेन ए प्लस आई वी की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है. इक्वेशन नंबर टू से ए टेन ए माइनस आई वी की वैल्यू एक्स माइनस आई वाई. इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो टेन ए प्लस वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से, कैप ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर टू से एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर थ्री से टेन ए माइनस आई वी की वैल्यू एक्स माइनस आई वाई है. ये वैल्यू हमने न्यूमरेटर में लिख दी और डिनोमिनेटर में भी रखना है. वन माइनस एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस आई वी और प्लस आई वाई, माइनस आई वाई प्लस आई वाई कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा टेन टू ए की वैल्यू वन एक्स टू टाइम्स एक्स हो जाएंगे अपान वन माइनस. देख रहे हैं कि एक्स में ऐड हो रहा है आई वाई और एक्स में से ही माइनस हो रहा है आई वाई. तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और आई वाई का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा. अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, बाकी चीज़ों को वैसे ही हम लिख देंगे. ये वैल्यू जो चल रही है टेन टू ए के इक्वल चल रही है, इसे हम ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे. टेन टू ए इज इक्वल टू हमारे पास बचा था टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर और फिर इसके बाद आई का स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा. हम लोग जानते हैं कि आई जो होता है, आयोटा जो होता है वो आई माइनस जो आई जो होता है स्क्वायर रूट माइनस वन होता है. जब होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये माइनस का वन आ जाएगा.
इस तरीके से राइट हैंड साइड में 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 रखेंगे। अगले स्टेप में या हम डायरेक्ट भी माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं इसको। ये वैल्यू जो चल रही है वो लेफ्ट हैंड साइड में 10 to 1 इक्वल चल रही है, जहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे 2x अपान 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ब्रेकेट में चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, 10 को राइट हैंड साइड में लाना होगा तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू मिल गई, 10 इनवर्स हो गया ये 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से हम ये कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट में इसको बंद कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। a की वैल्यू को फाइंड करना है तो उसे और डिवाइड कर लीजिए, तो a की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1/2 10 इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो a की वैल्यू जैसे आ गई वैसे फिर हम b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, लेकिन हमें शुरुआत करना होगी 10 2i b से। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखिए, वहाँ पर हमारे पास 10 a + ib की वैल्यू दे रखी है और 10 a - ib की वैल्यू दे रखी है। अगर हम यहाँ पर देखिए माइनस करें तो a से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होके 1 times ib 1 times ib 2 times ib हो जाएगा, इसीलिए 2 times ib से स्टार्ट की थी। और इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे माइनस वाली आइडेंटिटी है तो उसी जैसे ही, यानी 10x - y की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये वैल्यू होती है 10x - 10y upon 1 plus 10x into 10y। ये आइडेंटिटी होती है, आप लिख लीजिए अच्छे तरीके से आपने ये बोला है, और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम। तो इसको x और इसको y मानते हुए x - y की आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे, जो हमने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है 10a + ib हो जाएगा, फिर माइनस का साइन 10a - ib हो जाएगा, फिर अपान में 1 प्लस इन दोनों का इंटू, यानी 10 के साथ 10a + ib और इंटू 10a - ib। अब यहाँ पर ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में है। तो अभी चल रहा है इक्वल टू टाइम्स आई वी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, i को हम यहाँ पर शुरू में लिख दें, 2v यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, 2v यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास थी x + ib इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 3 से ये वैल्यू x - iy के इक्वल है, 1 + x + iy और x - iy, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ये 2 times हो जाएंगे। और यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जिससे i बाहर आ जाएगा और ये बदल जाएगा 10 हाइपरबोलिक में बदल जाएगा 2v। यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ किया है हमने यहाँ से यहाँ तक आने में लेफ्ट हैंड साइड में, उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं z की फार्म में, यानी 10 ये सर्कुलर फंक्शन होता है iz, तो i बाहर आके ये 10 हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इस फार्मूले का हमने लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ किया है। अब आप पीछे देख लीजिएगा पिछले पेज पर, आप इस वाले पेज पर जो है वो जो बचेगा उसको लिख देंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो i 10 हाइपरबोलिक 2v के इक्वल है राइट हैंड साइड में, i y और i y 2 times i y हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, और देखेंगे ये कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके थे x² + x + iy और x - iy, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होके आ गई थी x² + y², तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे, पीछे के कैलकुलेशन देख सकते हैं या आप भी डायरेक्ट ही लिखें ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आई से आई कैंसिल किया जा सकता है, और 10 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 10 हाइपरबोलिक इनवर्स को, तो 10 हाइपरबोलिक को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, 2v बचेगा और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा 2y / 1 + x² + y। आप चाहें तो इसको कर्ली ब्रैकेट में भी बंद करके लिख सकते हैं, और क्योंकि v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो इसलिए हमें
टू को राइट हैंड साइड में लाना चाहिए, तो वी की वैल्यू हो गई, वन का इंटू मान लें तो वन बाई टू हो जाएगा। ये टेन हाइपरबोलिक इनवर्स टू वाई अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो ए और बी की मिली हुई है इसे इक्वेशन नंबर वन में हम पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर वन जिसे माना था, यानी इक्वेशन नंबर वन हमने माना था, टेन इन बस एक्स प्लस आई वाई जिसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमको बांटना था तो सेपरेट करना था, रियल पार्ट ए माना था और ए की वैल्यू आ चुकी थी वन बाई टू, टेन इन बस टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसके बाद आई था और बी था कैपिटल बी, और कैपिटल बी की वैल्यू ये सामने ऊपर हमारी लिखी हुई है, इसको यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, यानी इनटू वन बाई टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स टू वाई, ऊपर जो भी वैल्यू है नोट कर दीजिएगा, आपको यहाँ पर अगर नजर ना आए, टू वाई अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जगह कम है यहाँ पर थोड़ी सी। तो ये कंप्लीट हो चुका है, टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई को हमने रियल पार्ट में और इमेज पार्ट में सेपरेट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडिविजुअल फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।